सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, हम सब के आप लोगों का काम खत्म हो गया? Yes. आप लोगों के पेरेंट्स के आने में तो अभी काफी टाइम है, तो हम लोग जब तक क्या करें? अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। टीचर? वाओ, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है और मैं ना बड़े होकर गेमर बनूंगा। क्या बात है भाई। और अयान आपने नहीं बताया आप बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं बड़े होकर बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन? क्यों, बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हैं? ताकि मैं बाबा की तरह बहुत सारे पैसे कमा सकूं। और इतने सारे पैसों का क्या करेंगे आप? मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा। बड़ा सा घर? और बड़े से घर में बड़ा वाला रूम तो आप अपने बाबा को ही देंगे। नहीं, वो तो बूढ़ी हो जाएंगी। मम्मा कहती हमें बूढ़े लोगों से बीमारी हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें ओल्ड एज होम छुड़ाऊंगा जैसे उन्हें मेरे दादा को छुड़ाया। ये सामने ओल्ड एज होम है, बगैर कोई तमाशा किए आप चुपचाप चले जाएं। मैं जाऊंगा तो लोग देखेंगे और मैं वो चाहता नहीं। अरे बेटा, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं जी सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं रह सकते अब आप हमारे साथ, बेहतर यही है कि अब आप हमें भी सुकून से जीने दें। अपने दादा को बहुत मिस करते हैं? वो मेरे साथ बहुत खेलते थे, चेस भी खेलते थे, अब वो है ही नहीं तो मैं बोर होता हूँ। अब मैं उन्हें याद भी करता हूँ बहुत।
102 बुखार है। कब से नहीं उतरा बुखार? डॉक्टर साहब पिछले एक हफ्ते से। देखो अहमद, मैं आपके बेटे का इलाज पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ, पर उसकी तबीयत नहीं संभल रही। ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो ये ट्रॉमा में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई है। खैर आप लोग बेहतर समझते हैं, मैं फिर भी दवाइयां लिख देता हूँ ताकि इसका बुखार जल्द से जल्द उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, फरमाइए जी। वो मैं सलीम साहब से मिलने आया था, आप उन्हें बुला दीजिए। सलीम साहब को? जी जी सलीम खान। लेकिन उनका इंतकाल हुए तो 6 माह गुजर गए। क्या कह रहे हैं आप? और आपने मुझे इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। सर कैसे इन्फॉर्म करते हैं, ना कोई आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ना किसी को यहाँ आपका एड्रेस मालूम। हमने बहुत कोशिश की। तुम लोग जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, चुप करके एक कोने में पड़ा रहूंगा, खुद को मुझसे दूर मत करो। सलीम खान साहब का कुछ सामान रखा हुआ है, वो आप लेके आ जाइए। ये सलीम साहब ने मरने से पहले पोते के लिए लिया था, लेकिन वो उसे दे नहीं सके। The action. Catch PSL 9 live on A Sports.